शायद पेड़ पर बैठी कोई चिड़िया ले गई। इसलिए तो मैं तुम्हारा पंखा हूँ। हाँ, मेरा पंखा? हाँ हाँ, तुम्हारा पंखा। पूरी दुनिया में मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पंखा हूँ। भीम, शायद इसका मतलब है कि ये तुम्हारा फैन है। तो तुम ही मेरा पीछा कर रहे थे खेत में और फिर रात को मेरे घर की खिड़की पर? हाँ, देखा, मैं भी कितना चुस्त हूँ। पर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारा फैन मतलब पंखा जो हूँ, और अब तुम्हारा चेला बनूंगा। चेला? भीम को किसी चेले की कोई जरूरत नहीं है। हम सब उसके दोस्त उसकी मदद करने के लिए काफी हैं। तुम अपने लिए कोई और उस्ताद ढूंढ लो। वो दो गुंडे उस बेचारे को पीट रहे हैं। मैं बचाता हूँ। देखा, मैंने बचा लिया। चोर, चोर। मैं मदद करूंगा। देखा, मैंने चोर को पकड़ लिया। अभ्यास करोगे तो जरूर अच्छा कर पाओगे। भीम, मेरे पास एक उपाय है। अगर ये किसी को बचाने में कामयाब हो जाएगा तो इसका हौसला फिर बढ़ जाएगा। हाँ, उपाय तो बहुत अच्छा है। बचाओ! उसे वहाँ से ऊपर खींचना होगा। भीम, तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें बचाऊंगा। शुक्रिया कुकु, तुमने समय पर आकर मुझे बचा लिया। ये, मैंने बचा लिया। मैं कर सकता हूँ। देखा, मैं भी भीम का अच्छा चेला निकला। आज हम साल के सबसे अच्छे नागरिक को कोई सोने या चांदी का पुरस्कार नहीं देंगे। आज हम साल के सबसे अच्छे नागरिक को एक महीने के लिए हमारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। और इस साल के सर्वश्रेष्ठ नागरिक का नाम है भीम। प्रधानमंत्री भीम की जय। प्रधानमंत्री भीम की जय। कालिया पहलवान, तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं तपस्या करने जंगल में जा रहा हूँ। तपस्या? तुम कौन हो? क्या मुझे मगर ने खा लिया? तुम्हें मगर ने नहीं खाया है, और वो मगर मैं थी। तुम? मैं तुम्हें ऐसा मंत्र बताती हूँ जिसे बोलकर तुम किसी भी रूप में आ सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, ये मंत्र शाम होने के पहले तुम्हें अपने असली रूप में आना होगा, नहीं तो तुम गधे बन जाओगे। हाँ, तुम उसकी चिंता मत करो, बस जल्दी से मुझे वो मंत्र बता दो। रूपनगर की रानी, बदल दे मेरा रूप। वो देखो, भीम भी आ गया। आओ भीम, हमारे साथ खेलो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा रास्ता रोका, ये लो। लगता है
जब से वो प्रधानमंत्री बना है तब से उसे बड़ा घमंड हो गया है। मेरा खेत। महाराज रक्षा कीजिए महाराज। तुम्हें क्या परेशानी है? महाराज प्रधानमंत्री भीम ने आज हमसे घूस मांगी और घूस न देने पर इन्होंने हमारे खेतों में जानवरों को छोड़ दिया महाराज। हाँ महाराज, भीम जब से प्रधानमंत्री बना है तब से इसका व्यवहार बदल गया है। हम तुम्हें अभी इसी समय प्रधानमंत्री पद से हटाते हैं। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, जाओ जो करना है कर लेना। रूपनगर की रानी बदल दे मेरा रूप। अच्छा तो ये बात है, अब समझ में आई सारी कहानी। महाराज मुझे आपसे कुछ कहना है। आज से ढोलकपुर का नया सेनापति होगा भीम। अरे भीम कहाँ है? नगर की रानी बदल दे मेरा रूप। भीम कहाँ है? मैं यहाँ हूँ महाराज। रुको, अगर तुम भीम हो तो फिर वो कौन है? नहीं महाराज, मैं ही हूँ असली भीम। इसका फैसला अभी हो जाएगा कि असली भीम कौन है। बस पहले सबको बता कि तू कौन है। बताता हूँ, बताता हूँ। तुम्हारी क्या राय है भीम? नहीं महाराज, हमें इसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन कैसे? वो मंत्र तो केवल इसे ही मालूम है और अब ये तो बोल नहीं सकता। मैंने वो मंत्र सुन लिया था, रूपनगर की रानी बदल दे रूप। यहाँ अंदर क्यों बैठे हैं? मुझे शर्त जीतनी ही है, यहाँ घर के अंदर रहेंगे तो खतरा कम रहेगा। पर हम बहुत बोर हो रहे हैं। ऐसा करो तुम यही रहो, हम जरा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। बोर तो मैं भी हो गया, चलो साथ ही चलता हूँ। वैसे सोच रहा हूँ बाकी किसी का भविष्य ठीक निकला होगा क्या? टुन्टुन मौसी, आज बात करने की फुर्सत नहीं है भाई, बहुत काम है। ऐसा संदेश लाया हूँ कि सुनोगी तो और सब काम भूल जाओगी। पास के गांव के सेठ के घर बहुत बड़ा उत्सव है, लड्डू तुम्ही से बनवाएंगे, बस जाकर मिल लो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं अभी जाती हूँ। बाकी काम अब कल ही करेंगे चुटकी, तू जाकर खेल। और हाँ, सब बच्चे लड्डू अपने दोस्तों में बांटने को ले जा। ये! चलो झील के पास पिकनिक पर चलते हैं।